हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो इट्स वीकेंड हियर, आज थर्सडे नाइट है और हमने सोचा कि हम जो है वो दुबई मॉल चलते हैं बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर डिनर। लेकिन वहाँ जाने के बाद वी रियलाइज़ कि हर रेस्टोरेंट में इतना रश था और सिंस केसेस दुबई के इतने बढ़ते जा रहे हैं तो हमने अपना फेवरेट काम किया, हमने देखे डांसिंग फाउंटेन, थोड़ा हमने ओपन एयर इन्जॉय किया और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग रास्ते से कहीं टेक अवे कर लेते हैं क्योंकि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो वी वेंट फॉर ग्रेफिटी बर्गर। अगर आप दुबई में रहते हैं तो प्लीज़ 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 आप लोग जुमेरा पे है ग्रेफिटी बर्गर ज़रूर ट्राई करें। आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज विल लव इट। इसका बर्गर बहुत अच्छा है और इकोनॉमिकल है और हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल हम वो आए, हमने घर में खाया। इट्स ऑल फॉर थर्सडे नाइट। इट्स नेक्स्ट डे फ्राइडे आफ्टर जुमा वी वेंट फॉर चाय। जुमे के बाद हम, वैसे तो हम जुमा मस्जिद में ही पढ़ते थे बट अब कोरोना की वजह से घर पे हैं और उसके बाद हम अपनी फेवरेट जगह पे गए हैं चाय पीने, विच इज़ फरूज हट। आप इसको ज़रूर ट्राई करना अगर आप यहाँ पे दुबई में रहते हैं, कि एक दिरहम की चाय है एंड लिटरली इसका टेस्ट इतना अच्छा है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और बेस्ट सेलर का इनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो या हमने ये ली चाय और उसके बाद फिर हमें करना था लंच, बट हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम ओपन एयर ही कहीं करेंगे, हमने अंदर नहीं जाके। तो हमने ली चाय और अली को जाना था कहीं बाहर कोई काम करने, तो मैंने गाड़ी में बैठ के चाय एंजॉय की और मेरा बेबी भी सो रहा था। ये टाइम लिटरली ये टाइम मेरा सबसे मतलब मज़े का होता है कि आहत सो रहा होता है और मैं गाड़ी में सुकून कर रही होती हूँ क्योंकि घर में लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता रेस्ट का। फिर हमने बहुत डिसाइड करने के बाद डिसाइड किया कि हम पिज्ज़ा हट चलते हैं क्योंकि वो रोड साइड है, ओपन एयर है और मेरा पिज्ज़ा खाने का दिल था। स्पेशली ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने का बहुत मज़ा आता है। इट वॉज़ अ वेरी चिल्ड आउट डे, मैंने बिल्कुल कोई ड्रेसअप नहीं किया था, बस नॉर्मल डेनम थी, ऊपर अली की टी शर्ट थी और साथ मैंने ऊपर हुडी पहनी थी क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कुछ भी मेकअप करूँ, रेडी हूँ। बस इट वॉज़ अ वेरी चिल्ड आउट फ्राइडे। और फिर उसके बाद हम सारा क्लीन अप करके गए थे, हम कभी टेबल पर गन्नी छोड़ के जाते। इसके बाद फिर हमने यही सोचा कि हम चलते हैं मॉल क्योंकि सैटरडे को हमने कुछ घर की सफाई वगैरह करनी थी तो कुछ चीज़ें उसके लिए चाहिए थी, तो हम मॉल ऑफ द एमिरेट्स गए। दिस मॉल इज़ लाइक ऑनेस्टली द वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, हमारे घर के करीब भी है। हमने बैंक जाना हो, हमने कोई फार्मेसी जाना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, कुछ भी हो, इस मॉल से सब हो सकता है। आपको हर तरह का यहाँ सलूशन मिलेगा। यहाँ हाई एंड्स हैं, यहाँ पे मैक्स है, सेफोरा है, लाइक सब है और हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी मॉल में होती रहती है। फिर उसके बाद कुछ काम करने के बाद फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं मैजिक प्लैनेट क्योंकि मॉल ऑफ द एमिरेट्स में बहुत अच्छा मैजिक प्लैनेट उन्होंने थर्ड फ्लोर पे बनाया है और अभी तक हम अपने बेबी को मैजिक प्लैनेट नहीं लेके गए। तो हमने कहा चलो हमारे पास टाइम भी है तो आज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आहत को कैसा लगता है मैजिक प्लैनेट यहाँ। मतलब सो वी आर हेयर एट मैजिक प्लैनेट और ये इतना प्रिटी है, मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है मैं जब भी यहाँ जाती हूँ। बहुत अच्छा बना हुआ है, वहाँ बच्चों की राइड्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये इसका फर्स्ट टाइम था तो ये राइट लेफ़्ट देख के बहुत खुश हो रहा था, म्यूज़िक भी था बट थोड़ा सा परेशान भी था कि इतनी शोर शराबे वाली जगह पे मैं कहाँ पे आ गया हूँ। एनीवेज इसने काफ़ी इन्जॉय किया और इसको देख देख के हमने काफ़ी इन्जॉय किया बट ये किसी राइड्स पर नहीं बैठा। आई थिंक जैसे कि आप देख सकते हैं इसको थोड़ा डर लग रहा था राइड पर, स्पेशली अगर मैं छोड़ रही थी ना तो उसको था कि नहीं नहीं बस मुझे पकड़ लो। बहुत क्यूट राइड्स थी लिटरली, मुझे तो इतनी अच्छी लगी। इतनी प्यारी प्यारी कार्स थी, डक्स थी, कप्स थे, मतलब बहुत ही
प्रिटी बहुत ही प्रिटी राइड्स थी और सारा सीन बहुत ब्यूटीफुल था। तो इसके बाद मुझे जाना था मदर केयर। मैंने आहत के लिए एक पैंट लेनी थी क्योंकि सिंस इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है, तो मुझे इसके लिए पैंट्स चाहिए थी और मदर केयर में बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। एनीवे सेल अच्छी थी बट मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला क्योंकि मोस्टली वहाँ पे समर स्टॉक था, अभी बस समर की काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं अभी वेट करूँगी कि गर्मियाँ आएँ तो मैं तब लूँगी। सो गाइस आई रियली होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।